इमरान खान का हमेशा कहना है कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। अब उनके पास बल्ला भी नहीं रहा, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो उस आखिरी गेंद तक कैसे लड़ेंगे, और क्या वो आखिरी गेंद अभी तक नहीं हुई? ये वो बातें हैं जो आज हम मेजर गौरवारिया जी के साथ करेंगे। इसके साथ हम बातचीत करेंगे स्मृति ईरानी के दौरा मस्जिद नबवी के हवाले से, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको समझ नहीं आ रही कि भारत और सऊदी अरब के ताल्लुकात कैसे आगे जा रहे हैं, कितने आगे बढ़ चुके हैं, और सऊदी अरब का इस्लाम जहाँ का इस्लाम ओरिजिनली है वो पाकिस्तानियों के इस्लाम या साउथ एशियंस के इस्लाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ओरिजिनल इस्लाम सऊदी अरब का ही है। और फिर हम बातचीत करेंगे मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप के इशू पे। वहाँ पर मालदीव्स में एक तरफ तो टूरिज्म को वो आगे लेकर जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो हमास की टेररिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं। ये चीज़ें कैसे एक साथ चलेंगी? मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं मेजर गौरव आर्या जी। थैंक यू सर। सर वो बल्ला नहीं रहा इमरान के पास, वो आज भी कह रहे हैं कि मैं आखिरी गेंद तक खेल लूंगा, तो किससे खेलेंगे आखिरी गेंद? सर पता नहीं किससे खेलेंगे इमरान खान साहब, ये बस अपनी जो टीम है, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको अपना थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट उनका बढ़ाना ये सब। बट एक चीज मुझे पता लग गई सर, 9 मई के वायलेंस के बाद यू कैनॉट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विन अगेंस्ट द स्टेट। बड़ा मुश्किल होता है स्टेट के खिलाफ जीतना, इम्पॉसिबल सा ही है। और जब पाकिस्तानी स्टेट अपनी सी पे आ गई तो फिर जब दोबारा इमरान खान को अरेस्ट करा सर, कोई सड़क पे आया नहीं। तो इतना तो मुझे पता है, इतना मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी एडजस्ट कर लेंगे सर। इन्होंने 16 दिसंबर 1971 भी एडजस्ट कर लिया, फातिमा जिन्ना का कत्ल हो गया इन्होंने एडजस्ट कर लिया सर, इन्होंने 1965 जो ये चढ़ दौड़े थे ऑपरेशन जिब्राल्टर उसके बाद फेल हुआ वो भी एडजस्ट कर, ये बड़ी एडजस्टिंग टाइप की कॉम है, इनका कोई इतना कोई वो नहीं है सर, इतना कोई मसला नहीं है इनका, ये एडजस्ट कर लेंगे। ये इमरान खान के एब्सेंस को भी लगभग एडजस्ट कर ही लिया है, अब सिर्फ थोड़ा सा लोग ये जो सुरसुरी छोड़ते हैं ना सर कि ये कर लेंगे इमरान खान के लिए, ये कर लेंगे ऐसा वैसा। अब इमरान खान को लीगली ऐसे बांध दिया है, सिर्फ बैट वाली बात नहीं है सर, लीगली उसको ऐसे बांध दिया है, देयर इज नो वे इमरान खान कैन गेट आउट। एंड सर मैं तो एक बात नहीं समझ रहा, विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू एक्सपैंड ऑन दिस अ लिटिल बिट सर। इमरान खान पाकिस्तान आर्मी का एक प्रोजेक्ट था, जैसे कि नवाज शरीफ एक पाकिस्तान आर्मी का प्रोजेक्ट था, जैसे कि जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान आर्मी का प्रोजेक्ट था, ये सब डिक्टेटरों के और जर्नलों के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स हैं सर, चाहे इमरान खान, चाहे नवाज शरीफ, चाहे जुल्फिकार भुट्टो, चाहे कोई भी और। ये जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं तो इनको अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो जाती है कि पाकिस्तान के माई बाप हम हैं। दे फॉरगेट दैट पाकिस्तान के माई बाप पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, पाकिस्तान की आर्मी है, ये भूल जाते हैं। और फिर ये लोग सर, मैं बताता हूं ये लोग, ये किसी भी, देखिए मुझे ये थोड़ी सी आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल, बट कहीं ना कहीं सर ये बात ऐसी लगती है कि ये डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करते हैं अपना रूल जस्टिफाई करने के लिए। अगर ये ट्रू डेमोक्रेट्स होते ना तो ये फौज की मदद लेके कुर्सी पे नहीं बैठे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं सर? बिल्कुल ठीक है। अगर ये चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, अगर ये दिल से डेमोक्रेट्स होते, अगर ये दिल से ऐसा मानते कि फौज का कोई लेना देना नहीं है सियासत से, फौज सरहदों में रहे या फिर फौज अपनी बैरिक्स में रहे, अगर ये सच में मानते तो फौजियों, फौज किस चीज का फायदा उठाती है? ये आपस में लड़ मरते हैं सर इस सियासतदान, और फौज को पता है कि सर टके टके के लिए बिकेंगे ये लोग, राइट? और फिर ये लोग सोचते हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी का इस्तेमाल कर लें, फिर हम इस्लाम का थोड़ा सा उसमें तड़का लगाएंगे तो पब्लिक को एक्सेप्टेबल हो जाएगा, फिर ये मामला फ्लॉप हो जाता है। और सर ये जो एरिया है, आई अगेन डोंट मीन टू यू नो डिमीन एनी कम्युनिटी लाइक दैट, बट ये जो पूरा पाकिस्तानी पंजाब का एरिया जो है सर, ये लार्जली जो था, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, देर आर ऑलवेज एक्सेप्शन, हर एक कम्युनिटी में एक्सेप्शन होते हैं और बड़े ग्रैंड एक्सेप्शन होते हैं, राइट सर? दुल्ला भट्टी इन्हीं में से तो आया था सर, दुल्ला भट्टी वॉज पंजाबी सर। बट ज्यादातर हमने देखा गया है कि सर यहां पे इस खित्ते में देखा गया है कि अगेंस्ट अथॉरिटी लोग नहीं बोलते ज्यादा, जैसे पश्तून भिड़ जाएगा, जैसे बलोच भिड़ जाएगा सर, सिंधी भिड़ जाएगा, पाकिस्तानी पंजाबी भिड़ता नहीं है सर,
मतलब उसके भिड़न की एक सीमा है, एक लिमिट है सर, एक दायरा है, उसके बाद पाकिस्तानी पंजाबी, ये कौमों की कुछ फितरतें होती हैं सर, राइट। इसलिए अगर मैं बोलूं कि इस एरिया से अगर कोई अमंगस्ट पाकिस्तानी मुस्लिम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी, अगर हम देखें कि यहां से कोई अंग्रेजों के खिलाफ पाकिस्तानी मुस्लिम्स ने कोई बड़ी बगावत करी है, तो ऐसा नहीं है सर। आपको ऐसे बगावत के बड़े पाकिस्तानी मुस्लिम, हाँ, पंजाब से बड़े बड़े शेर निकले हैं सर, शहीद आजम भगत सिंह निकले हैं, और क्या, व्हाट अ रॉयल पर्सन सर, व्हाट अ रॉयल पर्सनालिटी, ठीक है। आज भी मन चाहता है तो देखते हैं कि होते तो उनके पैर छूते, उनके आशीर्वाद लेते सर, दैट लेवल ऑफ पर्सन सर। लाला लाजपत राय, सो मेनी अदर पीपल सर, पीपल हु डाइड एट जलियांवाला बाग, ये कितने पंजाब से, तो कितने यू नो सपूत निकले हैं, कितने बड़े बड़े नाम निकले हैं पंजाब से। प्रॉब्लम ये है ना सर कि यहां पे जो मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी थी पंजाब में, दे हैड सोल्ड आउट टू द ब्रिटिश सर, तो ये तो सेल आउट कर चुके थे। और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भी सर, वो एक अंग्रेज है, वो लिखता है सर, मैं किताब ना, आई ऑलवेज फॉरगेट द नेम ऑफ दैट बुक, वो अपने मेमोर्स हैं उसके, उसमें लिखता है सर कि जहां तक मेरी नजर जा रही थी, बलोच जो मर्द थे वो पेड़ से टंगे हुए थे, उनको फांसी दे रखी थी अंग्रेजी सरकार ने, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे वो, पठान लड़ते थे यहां से, देवर मुस्लिम सर, जो बलोच मुसलमान वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, पठान थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, पठान सर मुस्लिम्स, सिंधी मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, पंजाबी मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ आपको बहुत कम दिखेंगे सर, जो बहुत कम, इक्का दुक्का कोई होगा तो होगा, पर ऐसा नहीं। तो राय बहादुर और ये सब वहीं से निकले सर, आपने कोई पठान को नहीं देखा होगा कोई राय बहादुर टाइटल का सर। जी ठीक कह रहे हैं, हमेशा बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि आपने कहा कि इमरान खान जैसे पॉलिटिशियन जमहूरियत की बात तब करते हैं जब किसी मसले का शिकार होते हैं, वरना ये फ़ौज की गोद में बैठे होते हैं। और आज भी मैं दावे से कहता हूँ, इमरान खान को पाकिस्तानी फ़ौज गोद में बैठने की ऑफ़र करे तो इमरान खान फौरन छलांग लगा के बैठ जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल में आपको पाकिस्तान का ये जो मैस है, ऐसा मैस कभी पहले नज़र आया? नहीं सर, ये पाकिस्तान सर, मैं आपको बताता हूं, सुशांत है ना, हमारे मित्र हैं सुशांत सरीन, वेरी सीनियर एनालिस्ट टेलीविजन पे आते हैं, आप जानते हैं सुशांत जी, जी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जी, तो सुशांत का ये कहना है कि इट इज नॉट अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, इज द फेलियर ऑफ द स्टेट इन पाकिस्तान। फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट कई जगह, अमेरिका में हो जाता है, भारत में हो जाता है, हर जगह होता है फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट सर, गवर्नमेंट नहीं परफॉर्म करवाती, बट इन पाकिस्तान इट इज नॉट द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट सर, इट इज फेलियर ऑफ द स्टेट हैज फेल्ड, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ये जितना कंफ्यूजन आज की तारीख में मैंने देखा है पाकिस्तान में, आई हैव रेड ओल्ड रिकॉर्ड, मैं तो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन 1971 के जो रिकॉर्ड्स जितने भी मिले मुझे सर, मैं डॉन न्यूज और भी जो डॉन न्यूज, तो आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, और भी लोगों की किताबें, मायूसी थी, लो मोरल था, लेकिन इतना कंफ्यूजन नहीं था, मतलब पीपल न्यू हुम टू ब्लेम, उनको ब्लेम करा नहीं करा वो बात की बात है, और पाकिस्तान कुछ सालों के बाद पैरों पर खड़ा हो गया सर। लेकिन ये जो पूरा मसला था ना सर, ये इमरान खान ने ऐसी जगह चोट मारी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान कभी नहीं उठ पाएगा सर। ही हैज हिट पाकिस्तान, यू नो व्हाट ही हैज शोन सर, एक आपने कहानी पढ़ी है सर, यू नो द एम्परर हैज नो क्लोथ्स, इमरान खान ने वही काम कर दिया। अब गलती से करा, जानबूझ के करा, आई एम नॉट अवेयर, बट इमरान खान ने लोगों को यह बता दिया कि द एम्परर इस केस में आर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी, और इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को बता दिया कि द एम्परर हैज गॉट नो क्लोथ्स। ये इमरान का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उससे क्या हुआ, उससे गलत क्या हुआ सर, मैं बताता हूं आपको, द ग्लू दैट हैज हेल्ड पाकिस्तान टुगेदर इज द पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ नहीं है सर, पाकिस्तान में खेती बाड़ी नहीं है, पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, पाकिस्तान में इंजीनियरिंग नहीं है, पाकिस्तान में प्रोडक्शन नहीं है, पाकिस्तान में पैसा नहीं है, व्हाइट मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैक मनी के तो बड़े अरबपति है पाकिस्तान में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पाकिस्तान का कोई ट्रेड और कॉमर्स नहीं है सर, कोई इन्वेंशन नहीं है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सारा सपाट मामला है पाकिस्तान का। बस एक चीज लोगों को आपने बिकॉज ऑफ हिंदू हेट्रेड या बिकॉज ऑफ इंडिया हेट्रेड या एक्स वाई जेड, आपने एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, जिसको हम आर्मी में कहते हैं कि एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट आपने करी, और आपने बोला कि हिंदू है ये हमें खा जाएगा, ये इंडिया वाले हैं ये हमें मारना चाहते हैं, राइट सर।
अब बात यह हो गई कि मारना चाहते हैं इंडिया वाले तो पूरी कौम इकट्ठा, ये कौन कहता था? ये पाकिस्तानी फौज कहती थी या पाकिस्तानी फौज के जो माउथपीस हुआ करते थे सर मीडिया में या हुअर इन्फ्लुएंसर्स एट दैट पॉइंट इन टाइम, जब भी होंगे वो लोग, तो ये लोग बात करा करते थे। तो कोई ना कोई आपने कौम को एक टारगेट दिया था कि बेटा इसके पीछे तुम लगे रहो, कोई ट्रक की बत्ती मान लीजिए उसको, आपने ट्रक की बत्ती दी, कौम उसके पीछे लग गई। इमरान खान ने ट्रक की बत्ती ऑफ कर दी है, सो ही हैज कॉज्ड ग्रेट डैमेज बिकॉज दिस आर्मी इज नॉट अ फाइटिंग आर्मी सर, नीदर इट इज अ प्रोफेशनल आर्मी। हम इसको प्रोफेशनल आर्मी कैसे, प्रोफेशनल आर्मी मतलब ये नहीं कि 400 गज से टारगेट को एंगेज कर लेता, दैट इज नॉट अ प्रोफेशनल आर्मी। प्रोफेशनल आर्मी होती है जो अपनी हुदूद में रहती है, प्रोफेशनल आर्मी होती है जो आपके आपके आईन के तहत रहती है, उसका एक संविधान के लिए एक लॉयल्टी होती है, पब्लिक के लिए लॉयल्टी होती है, मुल्क के लिए लॉयल्टी होती है। आई वॉज टॉकिंग टू एन इंडियन आर्मी जनरल सर, बहुत पहले की बात है, एंड ही सेड समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। आई सेड सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द पाकिस्तानी आर्मी, एंड ही जस्ट सेड दैट वी सर्व द नेशन, ही डिड नॉट टेक पाकिस्तान नेम एट ऑल, He just said, we in the Indian Army, we serve the nation. उन्होंने बस ये बोला. Therefore, insinuating that the nation of Pakistan served the Pakistan Army. Therefore, insinuating, उन्होंने ये बोला नहीं, ये मैं अपनी तरफ से लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ. He did not say that. But this is what I understand. As a very junior person, मुझसे 40 साल senior है sir. Very, you know, three-star general and बहुत बड़े बुजुर्ग विद्वान पंडित आदमी. So he told me, he said कि गौरव, ये एक जो एक हुक है सर वहां पे पाकिस्तान में ना फौज का एंटाइटलमेंट वाला, कि वी विल लिव अ सर्टेन लाइफस्टाइल एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल पे फॉर दैट लाइफस्टाइल, इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है। मैं सब, आप हमेशा तंजन कहा करते थे और मजाही अंदाज में भी कहा करते थे कि इमरान खान ने भारत को इनडायरेक्टली जितना फायदा पहुंचाया है पाकिस्तान के निज़ाम को बर्बाद करके, और इमरान खान के एक रिलेटिव हफीज़ुल्ला न्याजी भी अक्सर कहा करते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैंने पाकिस्तानी जर्नैलों को कहा कि आप भूल जाएंगे अगर नवाज शरीफ या भुट्टो फैमिली के हवाले से जो आपके साथ इख्तलाफात रहे हैं, जब इमरान आपके साथ भिड़ेगा तो आपको पता चलेगा ये कितना नुकसान पहुँचाया रहा है। तो आप समझते हैं कि जेल के अंदर पहुंच के भी इमरान इतना ही नुकसान पहुंचा रहा है? सर आई थिंक इमरान की नुकसान पहुंचाने की कैपेबिलिटी कम हो गई है, और फायदा यह भी है कि सर सबसे बड़ा फायदा फौज को यह है कि 53-54% ऑफ पाकिस्तान हैपेंस टू बी लिविंग इन पंजाब सर, तो ये पार्टी वार्टी करने वाले लोग हैं सर, ये मतलब दे नॉट जिसको हिंदी में हम लोग क्रांतिकारी कहते हैं ना, इनकलाबी लोग नहीं है सर कि सर कलम करवा लेंगे, ये बोलते बड़ा अच्छा है सर, इसमें कोई शक नहीं है, बोलते अच्छा है, शेर व शायरी करवा लीजिए, बड़ी बड़ी बातें करवा लीजिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो जैद हामिद साहब तो रोज गजवाए हिंद डिक्लेयर कर देते हैं हमारे खिलाफ। तो ये है कि दे स्पीक अ लॉट, दे डू नथिंग, और ये जो आदत है, अगेन आई डोंट मीन टू पेंट एन एंटायर कम्युनिटी विद द सेम ब्रश, बट ये जो 54% या 53% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन की जो आदत है ना सर, ये कंट्रोल करवाती है पाकिस्तानी आर्मी से अपने आप को, बिकॉज उनको पता है कि कुछ नहीं होगा पाकिस्तानी पंजाब में, ये पंजाब सोया हुआ है, ये ट्रेडिशनली सोया हुआ है। अच्छा वही चीज आप देख लीजिए, आप इंडियन पंजाब में मामला टोटली अलग है सर, इन इंडियन पंजाब मैटर इज टोटली डिफरेंट, वहां पे अगर कोई गलत होगा तो लोग आवाज उठाने सड़क पे आते हैं और लगातार आते हैं, यहाँ पे तो एक बार आए सर, 9 तारीख को अरेस्ट हुआ, 9 को आए, 10 को आए, 11 को फारिग हुआ, उन्होंने बोला यार बिरयानी का डेग शेक चढ़ाओ, नारी शारी खाएंगे, आराम से ऐश करेंगे, कहाँ फंस रहे हैं इन सब चक्कर में, इमरान खान के चक्कर में, ये हमें भी मरवाएगा, उनका हो गया। देखिए कहते हैं ना कि उड़ते जो कहते हैं कि जो सूरज उगता है ना सर, जो चढ़ता है सूरज, ये चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले लोग हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं सर, मैं कोई तर्क बात या कोई सख्त बात नहीं कह रहा, मैं बड़े पोलाइटली विद रिस्पेक्ट कह रहा हूं कि दे आर पीपल हु सल्यूट द राइजिंग सन। मैंने बलोचों में ऐसा नहीं देखा, मैं बलोच लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में हूं, मैंने यह देखा है कि पठान और बलोच अनरीजनेबल हो जाते हैं, क्योंकि मैं इनके साथ डील कर चुका हूं सर, इनकी अड़ने की आदत है, ये अड़ जाएंगे किसी चीज पे ना, फिर इनका गैर वहीं पर अटक जाता है, बलोचों का भी और पठानों का भी, इनका गैर अटक जाता है, फिर हिलते नहीं वहां से। ठीक है, हर एक कौम में अपनी अपनी कमियां होती हैं सर, हो सकता है मुझ में भी अपनी कमियां हो सर, मैं भी अपने आप को भी बोल रहा हूं, लेकिन
ये जब तक ये 53-54% जो पब्लिक है ये सोएगी ना, तो पाकिस्तानी फौज कंट्रोल करके रखेगी पाकिस्तान को। ये लोग सोए लोग हैं सर, इनको कोई नहीं, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, हैविंग अ पार्टी सर, इनको इनको कोई मतलब थोड़ा है। सर अगर पाकिस्तान से हम देखें तो जो पाकिस्तानी पंजाबी, मैं खुद पंजाबी हूँ और मुझे इस बात का एहसास है कि बदकिस्मती से पाकिस्तानी पंजाबी के DNA में क्या खामियाँ हुई, तो पाकिस्तानी पंजाब का जो मौलवी है ख़ास तौर पर, वो सिमरती ईरानी जी के मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द फेरों को बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहा है। और मैंने सर ये सवाल उठाया कि जो इस्लाम है वो तो अरब सिविलाइजेशन का दीन है और वो मॉडर्न लोग हैं, कभी भी इस्लाम की तरफ से या अरब सिविलाइजेशन की तरफ से भारत के ख़िलाफ़ कोई बुरा एटीट्यूड रहा ही नहीं। खुद प्रॉफिट मोहम्मद कहा करते थे कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है, और आज के मोहम्मद बिन सलमान मोदी जी को गले लगाते हैं। मगर क्यों ये ख़ास तौर पर जो साउथ एशियन मुसलमान हैं इनको समझ नहीं आती कि अरब तो मॉडर्नाइजेशन की राहों पर चल रहे हैं और ये पीछे को लेके चल रहे हैं, और अब ये कह रहे हैं जी कि ये क्या हो गया, अब तो अरब मुसलमान ही नहीं रहे। तो सर इस सारे मंजरनामे को कैसे देखते हैं? सर देखिए ऐसा है कि तेल खत्म होने वाला है, ठीक है जी, तेल खत्म होने वाला है, बात पैसे की है। पाकिस्तान ने भारत को मुस्लिम दुनिया से दूर रखा सर, और बहुत साल तक पाकिस्तान सक्सेसफुल भी रहा, खासतौर से मसला कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान सक्सेसफुल रहा। फिर भारत ने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सी ऐसी चीज है जो मजहब से ज्यादा मजबूत है, वो है पैसा सर, US डॉलर का। और ये पाकिस्तानी भी मानते हैं, मुंह पे कुछ और बोलते होंगे, लेकिन ये पाकिस्तान इसकी जीती जागती मिसाल है सर कि मजहब से कहीं ज्यादा तगड़ा डॉलर होता है। जहां पे आपने वो बेंजामिन वाला जो $100 का नोट दिख गया, बेंजामिन के सामने नाच जाते हैं सबके सब। तो बात यह है कि सर व्हाट मोहम्मद बिन सलमान इज डूइंग, उसको पता है 25-30 साल का खेल है, और उसकी जिंदगी में तेल खत्म होने वाला है। वो अभी आपने लेट 30s में है मोहम्मद बिन सलमान, आई थिंक ही इज नॉट येट 40 इयर्स ऑफ एज, ही इज अ यंग मैन, उसकी जिंदगी में तेल खत्म होने वाला है, राइट सर। अब फिर अमेरिका अपने निकालेगा या कोई अपने निकालेगा वो बाद की बात है, ये तो अमेरिका से नहीं लेगा ना, इसको तो सऊदी तेल चाहिए। वो तेल इन्होंने बेच बाज के और गोल्डन टॉयलेट बना के और सिल्वर ऑडी बना के और पता नहीं क्या क्या करके इन्होंने ठिकाने लगा दिया। अब दे हैव टू यू नो सर, ये चल नहीं सकता, सिर्फ हज और उमरे से सऊदी अरब नहीं चल सकता, सिर्फ हज और उमरे से, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हज दोबारा करते हैं, 95% ऑफ द मुस्लिम्स हु आर पुअर, राइट सर, वो जिंदगी में एक बार हज करेंगे अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो, या किसी ने स्पॉन्सर कर दिया तो XYZ, तो एक बार करेंगे। जो कहता है मैंने दो बार हज करा, तीन बार, तो फिर उसके पास वो मीन्स ऐसे होंगे ना, वो फिर तो लखपति करोड़पति आदमी होगा, फिर वो फर्स्ट क्लास फ्लाई करेगा, लैंड करेगा मदीना में डायरेक्टली, और मदीने से फिर वो हील कम टू मक्का एंड हील डू व्हाटएवर ही वांट्स, वो हज करेगा, उम्रे करेगा 10 बार, वो तो कर सकता है। गरीब आदमी नहीं कर सकता, गरीब आदमी जिंदगी भर मुसलमान पैसा बचाता फिर हज करता है। और सऊदी को पता लग गया है, सऊदी ने टैक्स लगा दिया सर अपने लोगों के लिए, जो टैक्स फ्री रहते थे सऊदी ने टैक्स लगा दिया, सऊदी ने बोला कोई फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, काम करो चुपचाप, तेल खत्म होने वाला है। वो कह रहे तेल निकल चुका है हमारा भाई, दैट वे एंड दिस वे बोथ, लिटरली एंड फिगरेटिवली तेल निकल चुका है सऊदी का। तो सऊदी क्या कर रहा है सर, इट इज इन्वेस्टिंग इन टूरिज्म, राइट। आज की तारीख में जो पाकिस्तान का हज का कोटा है, पाकिस्तान पूरा नहीं कर सकता, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, क्योंकि नोट लगते हैं सर, डॉलर लगते हैं। अब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है कि हज का कोटा पूरा करे, भारत बेच रहा है और लोग, भारत के पास पैसा है। इन दी एंड देखिए पता क्या होता है सर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और जो पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं ना वो भी समझ जाएंगे मसला क्या है। ये स्मृति ईरानी जी गई वहां पे, मदीने गई और फिर ये पाकिस्तान। देखिए ऐसा होता है सर कि जो गरीब होता है ना, जो भी पुअर होता है, अब उसका अगर कोई बहुत अमीर दूर का रिश्तेदार होगा ना, तो जब भी वो अपने दोस्तों की महफिल में बैठेगा गरीब, वो अमीर वाले का जरूर हवाला देगा, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस वो है कि देखो मैं उसका रिश्तेदार हूं। एक जमाना था, कितने लोग मैं मिलता था इलाहाबाद से जो ये क्लेम करते थे कि अमिताभ बच्चन हमारा रिलेटिव है। कहां से रिलेटिव हो गया, इतने रिलेटिव किसी के हो ही नहीं सकते। दो बंदा इलाहाबाद का वो कहता है कि जी अमिताभ बच्चन हमारा रिलेटिव है। तो वही चीज है,
एक तरफ अमिताभ बच्चन को ले रही है, मोहम्मद मिंसल। अब इशू इसमें यह है कि पाकिस्तानीज आर ट्राइंग, कि इनमें कॉमन चीज क्या है बिटवीन पाकिस्तानी मुस्लिम्स एंड साउदीज, कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज इस्लाम है सर, इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है। डीएनए कॉमन नहीं है, खाना कॉमन नहीं है, रस्म रिवायत इनके कॉमन नहीं है, इनकी शादियां छोड़ के जो मौलवी साहब पढ़ाते हैं उसके आगे पीछे की जो रस्में होती हैं, इनकी तो हिंदुओं की रस्में हैं, ये मेहंदी लगाना और ये गाने शाने गाना एंड ऑल दैट, दिस इज, ये तो हिंदुओं की रस्में हैं, ये तो हमारे यहां होता है, इनके यहां तो नहीं होता। इनकी कोई चीज सऊदी से नहीं मिलती, राइट सर। अब चक्कर ये है कि इनका टच पॉइंट क्या है सऊदी के साथ, ना ट्रेड है पाकिस्तानियों का, ना टेक्नोलॉजी है, ऑयल भी ये लोग किस्तों में लेते हैं, ठीक है जी। इनका कॉमन क्या है इस्लाम? जब इनको लगता है कि उस इस्लाम में कुछ मॉडिफिकेशन आने के इम्कानात हैं, या हो सकता है कोई खतरा है, या कोई ऐसी हिंट है, कोई ऐसा एक्स वाई जेड है, तो ये भड़क जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब तो लुटिया डूब गई, अब सब कुछ हमसे छीन लिया जाएगा। तो ये दे बिकम मोर मुस्लिम्स देन द सऊदीज, और ये कहते हैं कि सऊदी बर्बाद हो गया। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उसी सऊदी से इनको पैसे भी चाहिए, और डेमोक्रेसी तो है नहीं सऊदी अरेबिया। ये सऊदी के खिलाफ इनके बड़े बड़े लोग बकवास करेंगे, नेक्स्ट टाइम सऊदी वाले याद रखेंगे। और जैसे जैद हामिद को हजार हंटरों का, हजार विप्स का इन्होंने सजा दी थी, और उसको पड़े भी थे और रोया गया भी था काफी वहां पे, बाकी इनके साथ भी होने वाला, कल पाकिस्तानी मौलवी पहुंच जाएंगे वहां पे हज वज के लिए, वहीं पे हज के बाद उसको अरेस्ट करेंगे, मारेंगे हंटर उल्टा करके, फिर वो रोएगा। सऊदीज तो उनका बड़ा सीधा काम है सर, सऊदीज आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड पीपल, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप हमारे खिलाफ बोलते हैं, आप हमारे दुश्मन हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह ये सब तो एग्जिस्ट नहीं करता सर वहां पे, इफ यू स्पीक अगेंस्ट। तो वो अपने मुल्क को बचा रहा है सर, मोहम्मद बिन सलमान ना, एंड आई सल्यूट मोहम्मद बिन सलमान फॉर बीइंग अ विजनरी लीडर। उनको पता है कि पोस्ट ऑयल, लेट अस यूज दिस वर्ड पोस्ट ऑयल सर, मोहम्मद बिन सलमान इज अ विजनरी, ही नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन वंस द ऑयल रन्स आउट, एंड ही इज मेकिंग प्रेपरेशंस टुडे। आज वो प्रेपरेशन कर रहा है, आज वो नींव डाल रहा है, आज वो जड़ें मजबूत कर रहा है कि 30 साल के बाद सऊदी अरब ना इतना ही मजबूत है जितना आज है, क्योंकि यही पाकिस्तान सर कुछ समय, जब सऊदी अरब के पास पैसा, आप एक बात बताइए सर, छोटी सी बात, ये जो मौलवी इनके कह रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, वो तो इनकी आदत है ना। पाकिस्तान सऊदी अरब जाता है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूएई जाते हैं, ठीक है जी, ये गरीब मुसलमान मुल्क में क्यों नहीं जाते सर? मुझे एक बात समझिए, इस्लाम हर सेंटेंस में अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह, हर समय अल्लाह का नाम लेते हैं, इस्लाम का किला भी है पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू देम, ये आज तक किसी गरीब मुसलमान मुल्क में क्यों नहीं गए इनके प्रधानमंत्री कि मैं यमन जा रहा हूं, मेरा बड़ा दिल दुख रहा है, मुझे यमन जाना है। पाकिस्तानी हर जगह पहुंच जाता है सर, पाकिस्तानी गजा नहीं पहुंच पाता, वो डंकी मार के यूरोप में पहुंच जाएगा, न्यूयॉर्क में पहुंच जाएगा, हर जगह पहुंच जाएगा, डंकी मार के वो आज तक गजा नहीं पहुंच पाया, वो नहीं पहुंचेगा सर, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ, ये देखिए सर, दोगलापन होता है ना, मैंने मुंह से बोलना है, मैंने कुछ उसका करना तो है नहीं, अमल तो कुछ है नहीं उसका, मैंने मुंह से बोलना तो फ्री है सर, मैं बोलते रहूं, कौन सुन रहा है? सो ये दे विल नेवर गो सर। आप बताइए, अगर कोई पाकिस्तानी मिनिस्टर कभी, प्रधानमंत्री इनका या वजीर आजम बोलते हैं लोग, ये कभी सीरिया गया हो सर? कभी कोई, जितने फ्रीक्वेंटली ये लोग दुबई पहुंच जाते हैं, जितने फ्रीक्वेंटली ये लोग सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, या गरीब मुसलमान मुल्क में जाओ, उनकी मेहमान नवाजी नहीं, ये उसी मुल्क में जाते हैं जहां से इनको कुछ मिलना होता है। आप ठीक कह रहे हैं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान एक विजनरी लीडर हैं, और वो मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पे हैं, इस्लाम भी उनका दीन है, उनकी सिविलाइजेशन से निकला हुआ है, वो समझते हैं कि इस्लाम को कैसे हमने इज्तिहाद के ज़रिए, यानी जो रीथिंकिंग है उसके ज़रिए हमने आगे लेकर चलना है, मगर पाकिस्तानी इसको ना समझ पाते हैं, ना रिलेट कर पाते हैं। तो ये बताइए कि स्मृति ईरानी जी का जो विज़िट है उस पर भारत के मुसलमानों में क्या बातचीत चली, और वो कितना इम्पॉर्टेंट है, उसकी सिग्निफिकेंस कितनी इम्पॉर्टेंट थी? सर मुझे नहीं लगता भारत में कोई ज्यादा बवाल हुआ है इसको लेकर। इंडिया में तो मुझे कोई मुस्लिम लीडर ने कुछ नहीं, बिकॉज शी इज द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी सर, वो माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, वो गई। अब लोग ने बोला हिजाब नहीं पहनते, हिंदू नहीं पहनते हिजाब, ठीक है, अब हम क्या सऊदी अरब के लिए अपना मिनिस्टर, माइनॉरिटी मिनिस्टर बदल तो नहीं देंगे कि हम बोलेंगे कि नहीं सऊदी अरब को ऐसा होना, हमें ऐसा,
वो मंगलसूत्र पहन के गई, सिंदूर लगा के गई, साड़ी पहन के गई, जो नॉर्मल इंडियन हिंदू ड्रेस है वो पहन के गई, ठीक है, शी वॉज वेल ड्रेस्ड, शी वॉज डिसेंटली ड्रेस्ड, शी वेंट रिप्रेजेंटिंग यू नो इंडियन माइनॉरिटीज, और सिर्फ अगर हम इंडियन माइनॉरिटीज का देखें द पॉपुलेशन इज मोर देन पाकिस्तान, द इंटायर पाकिस्तान, तो कहीं वहां पे, एंड शी वॉज गिवन, एंड आई सल्यूट द सऊदी अरब गवर्नमेंट सर, दे गिव हर अ वार्म वेलकम, उनको प्रोटोकॉल दिया, उनको पूरा लुक आफ्टर करा उनको और हर जगह ले गए। वो बेसिकली देखिए वो गई क्यों ये समझना चाहिए, उनकी नीयत क्या थी जाने की, उनकी नीयत ये थोड़ा ना थी कि मैंने जाके वो मॉस्क के पीछे मैंने सेल्फियां लेनी है, नो, शी इज अ कैबिनेट मिनिस्टर, वो सीनियर पोजीशन पे है, एंड शी इज अ अकम्पलिश लेडी, अ सेल्फ मेड लेडी। वो क्यों गई थी कि जो भारत के मुसलमान वहां पर जाते हैं उनका जो हज है, उनका जो उम्रा है वो बेहतर हो जाए, उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिल जाए, वो काम करके भी आई, राइट, दैट्स इट सर, वो जिस काम के लिए गई काम करके आ गई। अब यहां पे हल्ला करके कि काफिर खातून और पता नहीं काफिर औरत और पता नहीं क्या क्या, मैंने देखा पाकिस्तानी यूट्यूबर पागल हुए जा रहे हैं सर, और वो कह रहे हैं कि आप कैसे देखिए इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान में जो लोग बोल रहे हैं, यूट्यूबर बोल रहे हैं, जैद हामिद बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहे हैं, इससे सर एक बात बताइए, क्या सऊदी अरब को फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या इंडिया को फर्क पड़ेगा? नहीं। तो किसको फर्क पड़ेगा? फर्क तो इन्हीं को पड़ना है, पड़ता रहे हमारी तरफ से, हमें क्या है, ये दोबारा जाएंगे वहां पर। जी मैं सब आखिर में दो चार बातें लक्षद्वीप और मालदीव के हवाले से, मोहम्मद मोइजो जो मालदीव के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई थी इंडिया आउट पे, और उसके बाद हमने रिसेंटली तीन मिनिस्टर्स की तरफ से वो देखी, इंसल्टिंग कैंपेन देखी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ। मैंने भी एक ब्लॉग किया तो मुझे उन्हीं मिनिस्टर्स में से एक ने ब्लॉग भी कर दिया ट्विटर पे, खैर ये एक ऑनर है। तो मैं सब, अब जो मोहम्मद मोइजो चाइना गए हैं और वो चाइना की गोद में बैठना चाह रहे हैं, भारत के साथ उनके पुराने रिश्ते हैं और स्ट्रेटजिक अलायंस भी था, और उनकी अपोजिशन पार्टी जो है वो उनको बुरा भला कह रही है मोहम्मद मोइजो को, तो इधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक खूबसूरत मैसेज दिया लक्षद्वीप जाके, उन्होंने उसकी टूरिज्म को जब उजागर किया, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं ये कहूँगा कि सलमान खान से भी बड़े, बहुत बड़े स्टार हैं, वो कोई बात कहते हैं तो पूरा भारत उसको बाय करता है, तो कैंसिलेशन हो गई फ्लाइट्स की, सारा कुछ हुआ। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो मैस किया मोहम्मद मोइजो ने, ये किया तो जानबूझ के, कितना भारी पड़ेगा? सर मैं आपको बताता हूँ, दो चीजें हैं इसमें। जब प्रधानमंत्री मोदी गए लक्षद्वीप तो अपने देश के हिस्से में गए, ठीक है सर, तो और उन्होंने बोला क्या, आखिर उन्होंने बोला क्या, उन्होंने ये बोला कि लक्षद्वीप बहुत खूबसूरत जगह है, जिसको एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है वो आइए, और मैंने स्नॉर्कलिंग करी मुझे बड़ा मजा आया तो आप भी आइए। उन्होंने मालदीव ये तो नहीं बोला कि मालदीव मत जाइए, राइट। अब ये जो थे लोग, देखिए सर मैं बताता हूं चक्कर क्या है, भारत ने लगाया पैसा मालदीव्स पे, चाइना ने लगाया पैसा मोहम्मद मोइजो पे, देयर इज अ डिफरेंस सर। और चाइना यही काम करता है पाकिस्तान में, चाइना यही काम करता है और जगह, जहां पे भी जाएगा चाइना कभी मुल्क पे पैसा बड़ा लिमिटेड लगाता है। देखिए सर चाइना का सिंपल सी चीज है, चाइना को पता लगा कि नवाज शरीफ है, करप्ट आदमी है, ठीक है, नवाज शरीफ की जेब में डाल दिया $100 मिलियन, उसकी जेब में डाल दिया, नवाज शरीफ खुश हो गया, जेब गर्म हो गई नवाज शरीफ की, बोला कितना चाहिए, क्या सर मुझे $5 अरब चाहिए, डन, ले लो, ये डील साइन कर दो, 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 उसने आंख बंद करके कचकच साइन करा, और बस पाकिस्तान के सो मेनी एसेट्स। इसीलिए तो इमरान खान ने सर सीपैक बंद करा आज की तारीख में। अच्छा 90% ऑफ पाकिस्तानीज, 99% ऑफ पाकिस्तानी, सर मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं और मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तानियों को, कमेंट्स में लिखें अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, अगर मेरी बात झूठी है, 99% पाकिस्तानियों को यह नहीं पता है कि सीपैक है क्या, उनको 99% को यह पता ही नहीं है कि सीपैक है क्या, सीपैक में कितने पैसे डाले, क्या बनना है, उसके फायदे क्या, उसके नुकसान का उनको पता ही नहीं है। बस उनके मन में एक नफरत है कि किसी तरीके से सीपैक अगर हो जाए तो फिर हिंदुस्तानी हमसे बोलने की यार हम तो आपके मुल्क में आना चाहते हैं, बस उनका वही, उनका दिमागी इतना ही है सर। सीपैक ने पाकिस्तान का कर दिया बेड़ा गर्क, और मैं तो चाहता हूं सीपैक दोबारा शुरू हो जाए सर,
और मैं चाहता हूं चाइना और बीच में $50 अरब रोल डाल दे उसके अंदर। आप देखिए ना सर, पाकिस्तान में क्या हुआ, $50 अरब चाइना ने डाले पाकिस्तान में, डाले ना डाले सर, ये तो बात पक्की है कि डाले चाइना ने। सीपैक भी बड़े गाजे बाजे के साथ शुरू करा। जिस मुल्क में 50 अरब की इन्वेस्टमेंट हो, वो भी चाइना जैसा सुपर पावर करे, मैं मानता हूं चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, अगर मिलिट्री ना भी हो इकोनॉमिक सुपर पावर चाइना जैसा, $50 अरब की इन्वेस्टमेंट करे और वो मुल्क $700 मिलियन की अभी अभी उसको कल परसों भीख मिली IMF से, क्या क्या लॉजिक आपको समझ में आ रहा है सर इसका? तो उसी तरीके से इसने क्या करा चाइना ने, बड़े स्मार्टली इन्होंने मोहम्मद मुइजू और इनके सबके चेले चपाटे थे उनको खिलाए पैसे, वही काम राजपक्षा के साथ करा था श्रीलंका में जब हनुमान टोटा पोर्ट दे दिया था। तो सर ये देखे ना, दे लुक फॉर स्मॉल कंट्रीज, चाइना का मॉडस ऑपरेंडाई सिंपल है, छोटे देश राइट साइज में, बाइट साइज, जैसे बिस्किट होगा ना कि मुंह में डाला खा लिया, बाइट साइज कंट्रीज, पॉलिटिकली अनस्टेबल विद द करप्ट एलीट। चाइना ऐसे देश ढूंढता है जो भी छोटे हों जिसमें एलीट करप्ट हो और वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। जब ये तीनों चीजें फिक्स हो जाती हैं, चाइना वहां पे चला जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है। यही हो रहा है सर जी। सर तो ये बताइए कि फिर मालदीव का मुस्तकबिल क्या होगा? उनकी अपोजिशन सर कह रही है कि भाई मोहम्मद मुइजू जो कुछ कर रहे हैं ये मालदीव के लिए बहुत ही बुरा है और ये डेट ट्रैप में हम और फंसेंगे। भारत से उनको बहुत फ़ायदे थे, टूरिज्म का फ़ायदा, सिक्योरिटी का फ़ायदा, तो अब मोहम्मद मुइजू की सरकार आपको क्या दिखता है, मालदीव्स को किस तरफ लेके जा रही है, क्या अपोजिशन बचा पाएगी? सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मोहम्मद मुइजू आया तो सर वो तो वोट लेकर ही आया ना सर, वोट लेकर आया तो लोगों ने वोट दिया है, इसका मतलब जब उसने बोला इंडिया आउट तो लोगों ने भरोसा करा, लोगों ने वो स्लोगन पसंद करा, मालदीव्स के आम लोगों ने वो स्लोगन पसंद करा कि इंडिया आउट, क्योंकि उनको ये स्टोरी बता रखी थी कि इंडिया हमारे अंदरूनी मामलों में दखल कर रहा है। क्या दखल कर रहा है ये हम नहीं बताएंगे, पर दखल कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा इंडिया, जब इंडिया इतना बड़ा है और वहां पे 140 करोड़ बंदे हैं तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे यार, जाहिर सी बात है। हाँ जाहिर सी बात है, हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, इस्लामिक वर्ल्ड में सर कॉन्स्पिरेसी बहुत बिकती है, कोई भी मुस्लिम मुल्क हो सर कॉन्स्पिरेसी बिक जाती है वहां पे कि एक कॉन्स्पिरेसी है, यू नो कोई हमारे खिलाफ साजिश चल रही है, तो साजिश वाला जो चूरन है बहुत बिकता है, उसने भी साजिश वाला चूरन भेज दिया। आज की तारीख में वो कह रहा है कि इंडियन फोर्सेस नीड टू बी आउट ऑफ मालदीव्स बाय 15th of March, उसने टारगेट दे दिया, कि पहले टारगेट नहीं दिया था, पहले बोला निकलो निकलो, जब वो चाइना से आया वापस तो उसने पहले अनाउंसमेंट ये करी कि वी कैनॉट बी बुलीड, कोई हमें बुली नहीं कर सकता, तो कौन कर रहा है तुम्हें बुली? नरेंद्र मोदी जी का लक्षद्वीप जाना मालदीव्स को बुली करना है? और जो भी सर यू नो लैशबैक हुआ है वो आम भारतीय सिटीजन से हुआ, सरकार ने तो कुछ बोला ही नहीं, the government of India has said nothing, the government of India was a dimash jo hota hai wo unhone jari kara hai, unhone bola hai ki ye galat cheez hai, bas itna bad diplomacy karke kahani khatam kar di। Bharat ne kya step uthaya, ye to Bharat ke nagrik utha rahe hain, ab hamare pradhanmantri ki tum bezti karoge, hamare desh ko ulte seedha bologe to fir to maar padegi, maar pad rahi hai sir। Ab dekhiye, kyunki their people should also realize their people have voted Mohammad Mujib to power, iska matlab jo bhi wo kar raha hai will of the Maldivian people है सर, ये तो हमें मानना पड़ेगा ना, according to democracy it is the will of the Maldivian people, so if the Maldivian people say India out तो किसी ने आमीन बोल दिया पीछे से। अब इंडिया आउट मतलब क्या, वो 70-75-80 जो वहां पे फौजी हैं जो आपके इनविटेशन से आए, आपके लिए हेलीकॉप्टर और जहाज चला रहे थे कि आपके बीमार लोग अस्पताल पहुंच जाएं, क्योंकि आपके यहां जजीरे हैं, आइलैंड्स हैं, टापू हैं, आप उनको आउट बोल रहे हो, ठीक है उनको आउट कर दिया, अब सारे इंडियन आउट हो गए क्योंकि आपने बोला इंडिया आउट, अब कितने हजार एयरलाइन टिकट कैंसिल हो गए सर, कितने हजार वहां पे होटल रूम्स कैंसिल हो गए। इंडियंस वर द टॉप नंबर वन टूरिस्ट इन मालदीव्स, नंबर वन सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट इंडिया इज टू सेट, राइट सर, ठीक है आपने बोला इंडिया आउट हो गया, अब क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये कोई समझाए सर, व्हाट इज द इश्यू, यू वांटेड इंडिया आउट, आपने इलेक्शन लड़ा, आपने बोला इंडिया आउट, इंडिया ने बोला ठीक है इंडिया आउट, तो इंडिया आउट, हम लोग आउट हो गए, अब उसमें भी प्रॉब्लम है, कह रहे नो कम बैक। ओ भाई साहब, आप ही ने तो वोट दिया था, आज आम मालदीव वाला भारतीयों से संपर्क कर रहा है और कह रहा है भाई ये क्या हो गया, तुम लोग क्यों चले गए? ओ भाई तुमने तो वोट दिया था उसको इंडिया आउट पे, अब इंडिया आउट हो गया तुम्हें, अब पहले तुम कहते हो इंडिया आउट, जब इंडिया आउट हो जाता तुम्हें वो भी अच्छा नहीं लग रहा। सो
इनको समझना पड़ेगा कि व्हाट दे हैव वोटेड फॉर। बहुत आखिर में जरा इस पे भी तबसरा करते जाइए, मालदीव के इन्हीं डिप्टी मिनिस्टर्स में से एक ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पपेट ऑफ इसराइल हैं, टेररिस्ट हैं, इतनी बेहुदा बातें। अच्छा, जब ये इसराइल का मामला आता है तो इन साउथ एशियन मुस्लिम्स का क्या लेना देना? मैंने भी एक व्लॉग में कहा सर कि अगर इनको इतना ही शौक है इंडिया आउट करने का और हमास की सपोर्ट करने का, तो हमास के लोगों को एज टूरिस्ट बुला लें। तो इस मंजरनामे को सर कैसे देखते हैं आप? सर ऐसा है कि यू नो पर पॉपुलेशन पर कैपिटा मालदीव्स इज अमंग द टॉप सप्लायर्स ऑफ इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट्स, और दो दर्जन से ज्यादा कंपनी, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 29 कंपनीज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मालदीवियन कंपनीज हैव बीन ब्लैकलिस्टेड बिकॉज ऑफ टेरर फंडिंग। तो ये देखिए, दे आइडेंटिफाई विद हमास। आप एक नेशन है जिसकी सांसें चलती हैं टूरिज्म से, सांसें चलती हैं आपकी टूरिज्म से। वहां पे वेस्टर्न टूरिस्ट भी आता है, वहां पे और जगह से भी टूरिस्ट आता है, और आप बात कर रहे हैं हमास की। तो भैया जब आप बात करोगे हमास की, तो फिर जाहिर सी बात है सर, देन इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि भाई क्या बात है और आप किस तरह। एंड दे आर ओनली सपोर्टिंग हमास बिकॉज ऑफ रिलीजन, because they and Hamas share the same religion, these are also Muslim, they are also Muslim, that is why there is support. इसके अंदर और कोई logic थोड़ा ना सर, इनको पता भी नहीं होगा Hamas ने क्या करा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेर साहब, as usual खरी खरी बातें करने का, हमें वक्त देने का हम बहुत शुक्र गुजार हैं। थैंक यू सर। व्यूज, बातचीत सुनी आपने मेजर गौरव आर्या साहब की। मैं चलते चलते एक जुमला अपना और शामिल कर दूं, चाहे वो मालदीव के मुसलमान हों या साउथ एशिया के ऐसे मुसलमान हों जो बेसमझी की बातें करते हैं, उनको ये समझ नहीं आती कि इस्लाम जो है वो अरब पेनिनसुला का दीन है, उनकी सिविलाइजेशन से निकला हुआ है, वो उसकी इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं, वो उसको आगे भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन ये वहीं के वहीं स्टक हैं अपने उसी मंजरनामे में जो उन्होंने मंजरनामा मदूदी नुमा मौलवियों की किताबों को पढ़ने के बाद बना रखा है। ये शायद कभी भी सारी सूरतेहाल को ना समझ सकें। बहरहाल इन्हीं इंटरेस्टिंग और सेंसिटिव इश्यूज पे हम हमेशा से बातचीत आपके साथ शेयर करते चले आए हैं, करते चले रहेंगे। और आज का यूट्यूब का हमारा शो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे इसी यूट्यूब के चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ मेजर गौरव आर्या साहब के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ऑलरेडी मिलियंस एंड मिलियन सब्सक्राइबर उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी इच्छा होगी कि हमारी इस कॉल पे और मिलियंस लोग उनके साथ जुड़ें। और इसके साथ साथ चाणक्य फोरम के ऐप्स को एंड्रॉयड और एप्पल पे आप डाउनलोड कीजिए, और टैग टीवी के ऐप्स को भी आप एंड्रॉयड, एप्पल, रॉको और अमेज़न फायर पे डाउनलोड कीजिए। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.